ऐसे कोरिया की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर ना छुट्टियों का सिस्टम बहुत अच्छा है। 2-3 महीने के बाद ना आराम से कोई ना कोई छुट्टी आ जाती है, या नहीं तो फिर यहाँ पे कभी कोई चोजक की छुट्टी आ जाएंगी कोई साल में, या फिर आप कोई समर हॉलीडेज आ जाएंगे, या फिर इनके कोई दिन आ जाएंगे, या इस तरह करके ना कोई बहाना हर दूसरे महीने बनते ही रहते हैं और छुट्टी हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और खासकर जो फैमिली वाले लोग हैं ना, तो उनको फैमिली को तो खास तौर पे इंतज़ार होता है कि कब छुट्टियाँ और कब उनका मौका मिले कि वो बाहर आउटिंग करें। वैसे तो आम रूटीन में भी होती रहती है, लेकिन ये है कि छुट्टियों का एक अलग मज़ा होता है कि बंदा थोड़ा रिलैक्स होके इंजॉय करता है। सो ये एक टर्किश रेस्टोरेंट हमारे एरिया में नया नया खुला था, तो मुझे ये था कि यार चलो ये इसका भी विजिट किया जाए, क्योंकि इवनिंग का टाइम था तो इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं था, रश बिल्कुल भी नहीं था। वैसे आम रूटीन में भी यहाँ थोड़े बहुत, क्योंकि अभी न्यूली ओपन हुआ है तो इतना ज़्यादा कोई रश वगैरह नहीं होता यहाँ पर। और जल्दी हमारा खाना भी आ गया था। खाने का रिव्यू मैं इस तरह से दूंगी कि यार यहाँ पे खाना आप उज़्बेक का खा लें, टर्किश का खा लें, यहाँ पे आपको टेस्ट का बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। इन केस के अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने के आदी हैं तो, क्योंकि ये यहाँ पर स्पाइस आपको वैसा नहीं मिल सकता जैसा कि आपको पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन अगर आप चिल्ली सॉस और केचप से काम चलाने वाले मेरी तरह बंदे हैं या बंदी हैं तो आपका काम चल सकता है। मुझे तो भाई केचप मिल जाए तो बस मेरा काम हो जाता है। मुझे लगता है कि बस उसे हर चीज़ पर डालो और उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है, और इसको भी मैंने इसी तरह से खाया था। और फिर जो नई जगह से खाने की हसरत होती है ना, वो भी पूरी हो जाती है। सो ये उससे नेक्स्ट डे था। उस दिन हमने प्लान किया था एक फैमिली के साथ, एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ हमने आउटिंग का प्लान किया था, और उसके लिए हम गए थे उइदो, और ये वाली जगह बहुत ही अच्छी थी। और ये वाली जगह थी देपुदो की, और यहाँ पर यूजुअली लोग आई थिंक दिन के टाइम ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब जिस टाइम पर हम पहुँचे थे ना उस टाइम तो लोग सवेरे पैक करके अपना वापसी का सामान ले रहे थे, जो भी उन्होंने कैंपिंग वगैरह की हुई थी सारा कुछ समेट के और सारे अपने बैग वगैरह बंद करके वापस जा रहे थे। और ये आउटिंग का रिव्यू हमारा बहुत ज़बरदस्त गुजरा था। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।